ओह माय गॉड, जल्दी जल्दी। तो देख रहे दोस्तों आप, इसे कहते हैं सच्ची मेहनत का फल। मुझे खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। आखिर 4:15 बजे हमें ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गिरिराज धाकड़ और आज है 29 जुलाई और 29 और 30 को बारिश होने वाली है। अब आप सोचेंगे बारिश तो हर में बारिश का मौसम है तो होगी सही, तो मैं आपको बता दूं कि 29 और 30 जुलाई को आसमान से उल्का पिंड की बारिश होने वाली है। जी हाँ, दरअसल ये घटना हर साल होती है लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता, लेकिन इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी पता पड़ा। दरअसल जुलाई में एक घटना होती है जिसे बोलते हैं डेल्टा एस्टेरॉइड्स, मतलब नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस महीने 12 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक आकाश से उल्का पिंड की बारिश होती है। हालांकि ये दिन में तो नहीं दिखते हैं लेकिन रात में अगर आप ध्यान देंगे, कभी छत पे घूम रहे होंगे तो कभी आपको टूटता हुआ तारा जैसा कुछ नज़र आएगा। तो 13 जुलाई से 23 अगस्त तक होने वाली ये उल्का पिंड की बारिश में 29 और 30 जुलाई की जो रात है उस दिन ये उल्का पिंड ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। मतलब नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 29 और 30 जुलाई की रात में ये उल्का पिंड लगभग एक घंटे में 20 से ज़्यादा उल्का पिंड आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन उल्का पिंडों को हम बिना टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। तो मैंने फैसला किया है कि आज रात को मैं अपनी छत पर ही अपना बिस्तर वगैरह लगाऊंगा और देखूंगा रात में कि मुझे कुछ दिखता है क्या। मुझे अगर कुछ नज़र आएगा तो मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। वैसे मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि मैंने, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ ना टूटता हुआ तारा देखा है ना उल्का पिंड देखा है। तो दोस्तों रात के 11:15 हो चुके हैं, मैंने नहा भी लिया है ताकि मुझे नींद ना आए। बस अब आधे घंटे में हम लोग खाना खा के ऊपर छत पर चलेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों समय हो चुका है, लगभग 12:30 बज चुके हैं और मैंने खाना भी खा लिया है, बाकी सारे काम भी निपटा लिए और अब हम जा रहे हैं छत पर। सो चलो, मैंने तक चादर चटाई सब ले ली, व्यवस्था कर ली ऊपर जाने की। चलो अब देखते हैं छत पर क्या होता है आज। सब लोग सो चुके हैं घर में। आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट में गेट खोल देता हूँ। छत पर आ चुके हैं अब हम लोग, चारों तरफ सन्नाटा, सब लोग सो गए हैं। अब सबसे पहले मैं मोबाइल सो सबसे पहले मैं मोबाइल यहाँ रख देता हूँ। हमने हमारा छोटा सा प्यारा सा बिस्तर लगा लिया है। ये चादर है, चादर ले आया मैं, तकिया ले आया, घड़ी है। अब थोड़ा सा आप लोगों को आसमान की तरफ दिखा देता हूँ मैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा आसमान का नज़ारा दिखा देता हूँ। बादल, हल्के हल्के बादल हो रहे हैं आसमान में पूरा, वही की तारे भी कम दिख रहे हैं। देखते हैं हमें आज रात को कुछ दिखता है या नहीं। वैसे दोस्तों मैं अगरबत्ती, वो मतलब मच्छर मारने वाली अगरबत्ती नहीं लाया हूँ, वो भी लेकर आना मुझे, क्योंकि मच्छर बहुत है, नहीं तो पता चले रात को मेरे को काट के उठा ले जाए मच्छर, इसलिए मच्छर भी हम लोग ले आते हैं। अपन चलते नीचे, आवाज़ मत करना, सब सो रहे हैं। चलते हैं हम लोग नीचे।
इसलिए मैं लाइट बंद कर रहा था कमरे की। माचिस ले ली। और मैं ये अगरबत्ती भी ले आया हूँ, ये देख लो आप कौन सी है, ये छुमंतर अगरबत्ती है, ये मच्छर भगाने के लिए, मच्छर बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। कहाँ गई, निकल गया। फिर इसे हम अभी नहीं जलाएंगे, बाद में जलाएंगे। ये सब व्यवस्था कर रही है मैंने, इसमें लगा देंगे अगरबत्ती। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मौसम कम हुआ है ना, सबसे पहले मैं ज़रा आसमान की तरफ देख लेता हूँ, कुछ चांस है कि नहीं दिखने के। हाल फिलहाल की स्थिति में ज़रा रुक जाइए, मैं ले लिया। तो अब मैं थोड़ा सा आसमान की तरफ देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों आसमान देख रहे हो आप, पूरा ब्लैकआउट है और बिजली भी चमक रही है हल्की हल्की। खैर उल्का पिंड दिखेगा वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं वो तो एक पाइप है, वो उल्का पिंड नहीं, पाइप है। ऊपर ऊपर देखो, देखते हैं अब क्या होता है। नज़र तो बनाए रखे हैं हम लोग। देखिए मैं आपको इधर दिखाता हूँ, कॉलोनी में सो रहे हैं। ये उल्का पिंड नहीं है, ये नाइट लैंप है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं मैं कि बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहा है, तारे भी साफ साफ दिख नहीं रहे बादल के कारण। लेकिन हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। बता दूं दोस्तों कि बड़ी देर बाद एक तारा दिखा है, आपको शायद दिख नहीं रहा हो स्क्रीन में, दिख रहा है कि नहीं, वो उधर सामने ऊपर बड़ी देर में एक तारा नज़र आया है। मतलब धीरे धीरे आसमान साफ हो रहा है तो धीरे धीरे चांस भी बढ़ेंगे। और वैसे भी जहाँ तक मैंने देखा और पढ़ा है उसमें बताया गया है कि 2 बजे बाद, रात को 2 बजे बाद और सुबह 4 बजे के बीच में उल्का पिंड दिखने की ज़्यादा संभावना ही रहती है। तो 2 से 4 के बीच में तो हमें नज़र मतलब गड़ा के रखना है, छोड़ना ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन हम यहाँ पे 12 बजे से नज़र गड़ा के बैठ गए हैं और सुबह 4-5 बजे तक बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज तो उल्का पिंड को पकड़ के ही मानेंगे। दोस्तों रात की 1:05 हो चुके हैं, फ़िलहाल तो हमें कुछ दिखा नहीं है,
दोस्तों अभी अभी मुझे वहाँ आसमान में कुछ दिखा चमकता हुआ, पता नहीं क्या वो उल्का पिंड था या कुछ था, पर एकदम एकदम से तेज चमकता हुआ निकला। पता नहीं आप लोगों को कैमरे में दिखा या नहीं दिखा, कुछ समझ में नहीं आया अचानक क्यों उल्का पिंड था या क्या, बस तेज रोशनी थी जो अचानक से निकली और कुछ सेकंड, 2 या 3 सेकंड की बात थी। अभी लगभग 2 बज रहे हैं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब ऐसा कुछ देखने को मिला। मतलब मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है, पहली बार कुछ ऐसा दिखा। ओ माय गॉड, माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एकदम बहुत चमकीली सी चीज़ थी और सडनली 2 या 3 सेकंड से भी कम समय में निकल गई वो तेज़ी से। अब मुझे लगता है मेरी हिम्मत बढ़ गई है क्योंकि अभी 2 बजे ही हमें कुछ ऐसा दिखा है, पर मुझे समझ भी नहीं आया वो उल्का पिंड था या क्या था, कुछ चमकीला एकदम से निकला। क्योंकि अगर उल्का पिंड रहता तो वो थोड़ा और चमकीला दिखता है, ज़्यादा देर के लिए दिखता, लेकिन पता नहीं बहुत तेज़ी से निकल के गया। अब मुझे यकीन हो रहा है कि मतलब मेरा विश्वास हो रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ हमें ज़रूर दिखेगा, बस हमें नज़र गड़ा के देखनी पड़ी आसमान में। पता नहीं अचानक मैं देख ही रहा था उधर और अचानक दिखा वो, देखते हैं दिखेगा तो ज़रूर, अगर नासा के वैज्ञानिक बोल रहे हैं कुछ तो हो सकता है कुछ ऐसा हम हमारे कैमरे में कैद कर लें जो हम आसानी से देखने को नहीं मिलता हूँ। देखते हैं, वाह मज़ा मज़ा आ गया। मतलब जगना बेकार नहीं जा रहा है, मतलब कुछ तो देखने को मिला, पता नहीं उल्का पिंड था या क्या था, पर जो भी था कुछ तो था। बस अब एक बार एक अच्छे थोड़ा सा है उल्का पिंड कुछ थोड़ी देर के लिए दिखे ताकि आप लोगों को भी मैं अच्छे से दिखा सकूँ उसे। दोस्तों लगभग 2 बज रहे हैं और आसमान में बादल छा गए हैं पूरी तरह से, मतलब तारा एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे इधर बादल हो रहे हैं और इधर अभी जो तारे दिख रहे थे कुछ उधर भी बादल आ गए हैं। एक्चुअली क्या है, बादल के पीछे से थोड़ी सी संभावनाएं कम हो जाती है क्योंकि हमें जो अभी थोड़ी देर पहले कुछ दिखा था वो वैसा अगर कुछ आएगा तो बादल के कारण हमें हो सकता है उसकी विजिबिलिटी कम हो जाए। खैर ये बादल जल्दी हट जाए तो अच्छा है, मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया है इसलिए मैं अब लगाऊंगा छूमंतर ताकि मच्छर भी छूमंतर हो जाए। काट काट के बुरा हाल कर दिया मेरा, चलो छूमंतर दिखाओ अब अपना कमाल। छूमंतर भी लग गई है, अब तो आ जा उल्का पिंड। कुछ भी बोलो मज़ा तो आ रहा है, पर एक्साइटमेंट है अंदर कि कुछ दिखा तो है तो दिखेगा, अच्छे से दिखेगा और बेहतर तरीके से दिखेगा और आप लोगों को भी दिखेगा, विश्वास है यकीन है। चक दे उल्का पिंड, बादल ज़्यादा हो चुके हैं। एक्चुअली क्या है, सावन का मौसम चल रहा है तो बादल भी आसमान में आ चुके हैं, विजिबिलिटी कम हो चुकी है आसमान में, बिजली भी चमक रही है अब तो, बस पानी नहीं आ जाए भगवान, पानी आ गया तो सब चौपट हो जाएगा अपना काम।
सोच रहा हूँ बस कहीं कुछ ना कुछ एक छोटा सा सुराख या छोटा सा एक रोशनी कहीं ना कहीं से दिख जाए, बस एक उल्का पिंड दिख जाए। मेरा मन नहीं मान रहा इसलिए मैं बैठा ही नहीं 1.5 घंटे से, लेकिन अभी तक कुछ दिखा नहीं है। 3:30 बज चुके हैं। हाँ, और अब मम्मी भी आ चुकी है, देखो नींद में उठ के मम्मी भी देखने की कोशिश कर रही। उल्का पिंड दिख ही नहीं रहा। ये सब दिख रहा है क्या? तो ऐसी तो दिखेंगे, और कैसे दिखेंगे, देख रहे तू हैं। सोया कि नहीं? सोऊंगा ना, ये उल्का पिंड दिख जाए उसके बाद सो जाऊंगा। यहाँ मत सोना, सो थोड़ी ना रहा है मम्मी यहाँ पे छत पे। हाँ, यहाँ बैठे नहीं है तो मम्मी आके पूछती है, बोले सोया क्या तू, बताओ। बदल भी हो रहा है हल्का हल्का। तो दोस्तों अब मुझे आ रही है नींद, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाते हैं, फटाफट दूध गर्म करके लाते हैं ताकि हमारी नींद भग जाए। तो चलो चलते नीचे। थोड़ी सी नींद आ रही थी इसलिए मैं दूध ले आया फटाफट गर्म करके, और ये पार्ले जी भूख लग रही है। तो वैसे भूख तो नहीं लग रही लेकिन नींद आ रही थी, पर ये दूध लाया तो ये पार्ले जी भी मेरा बंद करा खाने का, तो इसलिए ये भी ले आया मैं। वाह क्या मज़ा है, ये ऐसे दिन का भी अलग मज़ा रहता है। मतलब रात में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उल्का पिंड देखने की तैयारी है, 4:45 बज चुके हैं और चारों तरफ सन्नाटा। आहा बात अलग है, ऊपर से दूध और पार्ले जी बिस्किट, भाई कुछ कीमत नहीं लगा सकते अपनी इस मोमेंट की। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जल्दी 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 अल्लाह। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, वो दिखा आपको? ओ माय गॉड, शायद आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं? अरे यार नहीं दिख रहा, रोशनी नहीं आ रही। अरे यार वो देखो, दिख रहा आपको कुछ? दिख रहा आपको कुछ? दिख रहा? एक सेकंड मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो देख रहे दोस्तों आप, इसे कहते हैं सच्ची मेहनत का फल। मुझे खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। आखिर 4:15 बजे हमें ये नज़ारा देखने को मिल रहा है।
तो देखा दोस्तों आपने, मतलब हमने अपनी आंखों से जो देखा, शायद मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ देखने को इतनी आसानी से मिल जाएगा। एकदम सडनली अचानक सब कुछ हो गया। मैं वहाँ उस तरफ बैठा हुआ था और मुझे अचानक से एक रोशनी दिखाई दी और मैंने तुरंत मोबाइल का कैमरा तो मैंने ऑन कर रखा था, तुरंत मैं आया फटाफट और मैंने कैमरा ऑन करके उसे दिखाया आप लोगों को। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी आराम और इतनी इत्मीनान से इतने लंबे समय तक हम उस घटना को देख पाएंगे। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर खुशी इतनी महसूस हो रही है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि रात भर जगे हम लोग और लगभग थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद मैं जाने वाला था नीचे, लेकिन आखिर हमें सफलता मिल ही गई। मैंने पहली बार कोशिश की ऐसा कुछ देखने की, मतलब मुझे दिन में खबर ये पता पड़ी थी और मैंने वीडियो बनाया था कि आज हम लोग जगेंगे और जगे और ये ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब यकीन नहीं हो रहा, मतलब दिल खुश हो जाता है ना ऐसा कुछ देखते हैं तो। जब हम कोशिश करते हैं किसी चीज़ को, इतनी बड़ी खगोलीय घटना है, मतलब लोग घंटों, दो दो चार चार हफ्ते, महीनों तक इंतज़ार करते हैं उस खगोलीय घटना को देखने के लिए। एक ही जगह अपना कैंप लगाकर रहते हैं, मैंने देखा पढ़ा उसके बारे में, लेकिन हमें इतनी आसानी से देखने को मिल जाएगा मैंने भी नहीं सोचा था। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं नीचे। अब क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं मिल रहे अच्छा थोड़ी देर, मतलब 15 मिनट और होते, मैंने सोचा था, मैं चार बज चुके थे तो मैंने सोचा था कि मिला आधा घंटा और रुकते हैं, और 15 जस्ट 4:15 हुई थे और वो ऐसा हो गया, वरना 15 मिनट और नहीं दिखता तो मैं भी नीचे चले जाता और हम लोग कल भी करते जारी। लेकिन पता नहीं क्या किस्मत को कुछ और भी मंजूर था जो हमें देखने को मिला। तो अब जरा मुझे अब जाकर जरा राहत की नींद आएगी, मैं बिस्तर पर जब लेटूंगा तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा कि मैंने ऐसा कुछ देखा। और आप लोगों को भी दिखाने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि मतलब ऐसा कुछ, मतलब मैंने जो रात जागी वो एक सफल हो गई आप लोगों के भी लिए और मेरे लिए भी। मुझे जितनी खुशी हो रही हो सकता यकीनन आपको भी उतनी ही खुशी हो रही होगी। तो ठीक है, अब जाके मैं सोता हूँ, नींद आ रही है बहुत। अभी हल तो दूध पिया था थोड़ी देर पहले, 3:30 बजे 3:45 बजे समथिंग, और मज़ा आ गया। चलो गुड नाइट, अलविदा।